फ्रेंड ईकेट यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर के सोल्यूशन में करवा रहा हूँ। और जैसा कि पहला सवाल दाऊद में आया था, और से देखिए बोर्ड पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यहाँ पे क्रैक कर लीजिए काइंडली, इसमें जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर यूनियन होगा। और यहाँ देखिए मेहरान के टेस्ट में आया था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज़ के सवाल आते हैं सारे। मैंने एक जगह कंपाइल कर दी है ए इंटरसेक्शन बी, फिर दरमियान में यूनियन का निशान, फिर ए इंटरसेक्शन सी, मेहरान के टेस्ट में आया था। फिर ए की क्रॉस प्रोडक्ट बी यूनियन सी के साथ ही, तो ए क्रॉस बी आ जाएगा, यूनियन ए क्रॉस सी आ जाएगा, नस के टेस्ट में आया था। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, नस के टेस्ट में आया था। ए माइनस बी यूनियन सी, तो देखें ए माइनस बी, और यहाँ पर उल्टा होगा, अगर देखें यहाँ यूनियन का निशान है तो इंटरसेक्शन ए माइनस सी, और देखें ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है तो फिर उल्टा ए माइनस बी यूनियन अब हो जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन है तो ए माइनस सी। ये दाऊद के टेस्ट में आया था, देखिए ऊपर वाला गुलाम साखान में। तो ई गेट के पांच पेपर्स की कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के, जो कुछ मैंने आपको करा है उसके अलावा ये भी बहुत अहम है। मैं कह रहा हूँ जितनी वीडियोज़ आती हैं डेली की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, डेली मेरी वीडियो देखा,